उस लड़की की मौत 48 घंटे पहले हुई है, सारुंग के साहब ने बताया। गोली मारी है उसे। आखिर उस फैक्ट्री में ऐसा है क्या कि विनोद 24 घंटे उसमें नजर रखता था और अब इस लड़की की लाश मिलती है हमें वहां से, और वो दवाइयों की कैप्सूल अभी तक पता नहीं चला तो कैप्सूल के अंदर था क्या। सर उन कैप्सूल्स में जो पाउडर मिला है कहीं ये सब उसके लिए तो नहीं हो रहा। मगर सिर्फ एक पाउडर के लिए कोई किसी की जान क्यों ले रहे हो? ऐसा क्या है खास उस पाउडर में? पाउडर में क्या है वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एसीपी साहब जमे हुए हैं सारुंखे साहब की लैब में। सारुंखे क्या हुआ बे? क्या ये एक तरह की नशीली दवाई है? तो ये बात है। और ये देखो ये इसकी पैकेजिंग एकदम असली है। तेरा कहने का मतलब है कि नकली दवाइयां असली पैकेजिंग में है? हाँ याद आया, तुम पूछ रहे थे ना विनोद उस गोली से क्यों नहीं मरा जो उसके सीने में थी। हाँ मैंने पता कर लिया है बॉस, वो उससे क्यों नहीं मरा। ये देखो दरअसल विनोद एक सिक्योरिटी गार्ड था। जिस टाइम वो सिक्योरिटी गार्ड था 6 साल पहले वहां पर एक रॉबरी हुई, रॉबरी में इसे गोली लगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन गोली अंदर ही रहने दी। गोली निकालता तो विनोद की जान को खतरा था। यार सारुंखे फिर वही सवाल, अगर विनोद इस गोली से नहीं मरा तो फिर मरा कैसे? बस याद है मैंने आपको कुछ सफेद सफेद चांदी के टुकड़े दिखाए थे? बस मैंने उस सारे टुकड़े जोड़े, ये देखो ये बना। यार सारुंखे ये तो कोई चांदी का सिक्का लगता है, सिल्वर कॉइन नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।